दिस इज योर एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन। To the ellipse ये मैं e कर देता हूँ x square by a square plus y square by b square equal to one। ये आपका ellipse क्या हुआ? Equation of ellipse सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन टू वन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन क्या होगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं फॉर एनी कर्व, कोई भी कर्व के लिए एनी सेकेंडरी इक्वेशन। कोई बताएगा? Anyone? Equation of tangent at point x1 comma y1 to any curve, कोई भी curve के लिए क्या होता है? To any second degree equation के लिए क्या होता है? क्या सर वो actually मेरा audio पता नहीं बीच में cancel हो गया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मेट बताया था कैसे निकालते हैं। कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए कैसे निकालते हैं इक्वेशन सर x into x1 upon a square plus y to y1 by b square equal to 1। तो रिप्लेस x square आज x x1 y square आज y y1 कांस्टेंट रिमेन फिक सेम। तो ये होगा x x1 upon a square plus y y1 upon b square equal to 1 एंड डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं t। t equal to 0 means हम इसको लिखते x x1 by a square plus y y1 by b square minus 1 इसको t मानते हैं, इसको t दे देते हैं। ठीक है, कहीं पे मैं t लिखूंगा तो इसको मिल करेगा। if y equal to mx plus c without tangent to the curve or to the ellipse e equal to 0 to the ellipse e then आपको क्या कंडीशन मिलेगा? ये मतलब ए एलिप्स के लिए इफ वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी विदाउट टेंजेंट टू द एलिप्स ई
देन आपको एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलेगा, वो क्या होगा खुद निकालो। सर सर वो अगर आप जैसे आप बोल रहे हो कि लाइन y equals to mx plus c टच करती है x upon a square plus y square by b square equal to one ellipse पे, तो फिर c square equals to a square into m square plus b square, ऐसे मिला सर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट किया मैंने करके एक को आइसोलेट किया और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया एक वेरिएबल को, तो क्या मिला मतलब y के जगह mx plus c डाले है ना? हाँ सर। हाँ उसके बाद क्या किया वो मुझे पता जानना चाहिए। y को आप एलिमिनेट कर दिए ठीक है, इसके बाद क्या किया? Where you got a square m square plus b square मतलब c square equal to a square m square plus b square, वो कैसे मिला? लॉजिक क्या था? एक ही लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डिफर होता है और सेक्शन टू कॉनिक सेक्शन टू कॉनिक सेक्शन वो डिफर होता है, कोई भी कर्व के लिए एक ही स्टैंडर्ड मेथड रहता है। क्या करते हैं हम उधर कोई लाइन को एलिप्स के ऊपर डालेंगे उसका एक ही रूट होना चाहिए, यहाँ पे एक ही जगह वो टच कर रहा है तो एक ही रूट होना चाहिए उसका। तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ x square by a square plus y के जगह mx plus c डाल देता हूँ, इसका होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू वन होगा जब मैं लाइन को यूज करूंगा कर्व के ऊपर। ओके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट x square by 1 by a square plus m square by b square into x square, x square का coefficient and x का coefficient रहेगा 2mc upon b square into x, constant term हो जाएगा c square upon b square minus 1 equal to 0। After simplification आपको ये मिलेगा। ये राव करो ये जो आपको अभी क्या मिल रहा है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स, एक्स का कितना रूट्स होना चाहिए, टेंजेंट के लिए कितना रूट्स होना चाहिए, एक ही रूट होना चाहिए, कॉर्ड के लिए दो रूट होना चाहिए, सेकंड लाइन होगा तो दो रूट होना चाहिए और नाइदर टेंजेंट नॉर सेकंड लाइन होगा तो नो रूट होना चाहिए। ओके इसमें एक ही रूट होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होने से क्या कंडीशन क्या होता है, अंडर व्हाट कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ओनली वन, सर की दोनों रूट्स इक्वल हो। हाँ तो इक्वल रूट्स कब होता है, कंडीशन क्या होता है, डिटरमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। हाँ सॉरी भाई तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज द b स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन b रेस्ट टू 4 माइनस 4ac, 4 * 1 / a स्क्वायर plus m स्क्वायर / b स्क्वायर * c स्क्वायर / b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b रेस टू 4, ये भी m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b रेस टू 4 वो भी कैंसिल,
ठीक है, बचा क्या इसके साथ, ये बचा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ये दोनों को राइट साइड ले लो, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आफ्टर सिंपलीफिकेशन यू गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन। तो सी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। C square equal to A square M square plus B square, it is called condition of tangency। आपको M दिया जाएगा और C दिया जाएगा। If C given, you can find out M। If M given, you can find out C। क्योंकि A B already question में है। तो C क्या होगा? C is equal to plus minus under root A square M square plus B square। अब इसमें डाल देंगे। मेरा क्वेश्चन था कि y equal to mx plus c be the tangent to the ellipse, then c आपका ये होता है। ओके, c c के जगह you can use plus minus under root a square m square plus b square। This is your condition of tangency। तो कोई भी कर्व के लिए, even आपका सर्कल, सर्कल में भी ऐसा ही हुआ था, बट सर्कल में ये था कि टेंजेंट होगा तो सेंटर से दिखाई देगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन आपका रेडियस होना चाहिए, वो थोड़ा मोर इजी था। बट ये कंसेप्ट कोई भी कर्व के लिए चलता है, इवन सर्कल के लिए भी चलता है। आप स्ट्रेट लाइन को कर्व के ऊपर यूज करो, टेंजेंट होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, कॉर्ड लाइन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नेदर सेकंड लाइन नॉर कॉर्ड लाइन ये टेंजेंट लाइन, देन आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। सर अगर नॉर्मल हुआ तो क्या होना चाहिए था डिस्क्रिमिनेंट? नहीं, नॉर्मल होगा तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए। हां, उसका ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेंट कोई कुछ नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसे देखा जाएगा तो एक्चुअली नॉर्मल क्या होता है, फॉर दिस केस आपका नॉर्मल क्या होगा, कट करेगा दो जगह पर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे एक्चुअली, इसलिए नॉर्मल क्या होता है, इसका नॉर्मल फोर्थ डिग्री इक्वेशन पर जाएगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं होता है। इसमें गया था ना जो हम ये कहते हैं पैराबोला का नॉर्मल एम क्यूब आया था, तीन नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते थे ना, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यूब, तो स्लोप का तीन आया था, तो वो कंसेप्ट नहीं लगता है, डिस्क्रिमिनेट कंसेप्ट नहीं लगता है इसमें, नॉर्मल में टेंजेंट पे लगता है। ये समझा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? हाँ सर। कब करो? एक मिनट सर। हाँ सर कर दो। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बताया था? What is the parametric point of the ellipse? X square by a square plus y square by b square equal to a square. Sorry, one. Sir, फिर a cos theta comma b cos theta, b sin theta होगा। A cos theta comma b sin theta. हाँ, but वो point होगा। तो कभी question में दिया जाता है कि 8 theta, तो वो by default उसको ही mean करता है। जैसे पैराबोला में 8 किया जाएगा तो 80² / 280 को मीन किया था, इसमें भी ऐसे होगा,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा टू द कर्व ए. एट पॉइंट थीटा मतलब ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ए कॉस थीटा कमा बी साइन थीटा, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होगा. बताओ क्या होगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा डालो वाई वन की जगह बी साइन थीटा डालो एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी is equal to 1. Equation of chord of contact. Drawn from point x1 comma y1 to the curve e is what? Equation of chord of contact. Chord of contact means what? E of a ellipse. कोई ए पॉइंट से आप दो tangent draw करोगे, ठीक है? तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट आपका एक्स वन कमा वाई वन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? दिस वन गिवन. हाउ टू फाइंड आउट ए बी इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबके लिए एक ही फॉर्मूला, वेदर इट इज सर्कल और पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला, सबके लिए एक ही फॉर्मूला. क्या था पैराबोला केस में, क्या बताया था? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. y1 y2 y1 equals to 2a into x plus x1. फॉर्मेट मतलब क्या था, वो कहां से आया था? उससे पहले मैंने कुछ लिखा होगा. एक मिनट. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट फ्रॉम पॉइंट सेम एज t इक्वल टू जीरो. सेम एज टी इक्वल टू जीरो. डिफरेंस है कि ये जो टी था पहले, जो हम टी निकाले थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले थे, वो पॉइंट कर्व के ऊपर था, अभी कर्व के बाहर है, इतना ही डिफरेंस. ओके okay?
equation of chord of contact drawn from point x1 comma y1 to the curve e same as t equal to 0. T मतलब आपका x x1 by a square plus y y1 by b square minus 1 equal to 0. मतलब same as tangent equation. डिफरेंस है कि वो पॉइंट पे जो टेंजेंट निकाले थे वो पॉइंट कर्व के ऊपर था, अब ये पॉइंट बाहर है, इतना ही डिफरेंस है. और ये अप्लीकेबल फॉर ऑल कॉनिक एज वेल एज सर्कल. जो मैंने कुछ स्टैंडर्ड बताया था दैट रिमेन फिक्स. लिख दिए थर्ड फोर. Done. Equation of chord whose midpoint is x1 comma y1 is what? Equation of chord whose midpoint is x1 comma y1 क्या होता है? Sir, sir, equation of chord when its midpoint is given is t equals to s1, where t equals to y into y1 minus 2a into x plus x1, and s1 equals to y1 square minus 4ax1. पैराबोला ही तो पूछा सर आपने. नहीं, एलिप्स के लिए पूछ रहा हूँ. अच्छा अच्छा मैंने बोला वो सबके लिए सेम होता है, मतलब फॉर्मेट सेम होता है. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच मिड पॉइंट इज x1 कमा y1 सेम t इक्वल टू s1. सर t, हां सर याद आया, याद है. सर t इक्वल्स टू x इनटू x1 बाय a स्क्वायर प्लस y इनटू y1 बाय b स्क्वायर माइनस 1, और जो होगा वो x1 स्क्वायर अपॉन a1 a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1. यस यस, तो ये माइनस वन बाद में आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका टी होता है, ये आपका एस वन होता है. तो टी इक्वल टू एस वन. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर ऑल कोने. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 comma y1 टू द कर्व equation of pair of tangents drawn from
पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन टू द कर्व टी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एरर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन टू द कर्व बी क्या फॉर्मूला था? टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, ये भी फिक्स, ये टी, ये एस वन, एस आपका कर्व, एस आपका कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन. ओके, अदरवाइज आपको मिलेगा x x1 by a square plus y y1 by b square minus 1 इसका whole square equal to s x square by a square minus y plus y square by b square minus 1 into s1. s1 मतलब point को सीधा curve के ऊपर डालोगे. x1 square by a square plus y1 square by b square minus 1 ये आपका constant होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल में रहता है, ये मिक्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ओके, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंगल टेंजेंट के साथ भी आप जा सकते हो. सर हो गया.
डायरेक्टर सर्कल क्या था? नहीं सर, नहीं किया था। नहीं, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? लास्ट टाइम भी किए थे ना, पैराबोला केस में भी डायरेक्टर सर्कल किए थे। अच्छा, सर वो उस केस में तो डायरेक्टर ऑफ मतलब इस केस में द डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स। या करो, देखो क्या आ रहा है, मुझे उसका लोकस चाहिए। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू ड्रॉ टू टेंजेंट टू द कर्व, योर टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज ये आपका परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रहा है, ये आपका कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये परपेंडिकुलर होगा तो उसका लोकस क्या होगा, ये कैसे पॉइंट मूव करेगा, मुझे वो लोकस चाहिए। फाइंड आउट ये वाला आप करके दे सकते हो क्या? आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। ओके, आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेट अस टेक दिस लाइन इन द y इक्वल टू mx प्लस c, तो c के आज इट इज टेंजेंट, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, c के जगह प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी होगा ऐसे। ठीक है,
अब एच कमा के इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एच कमा के 9 के ऊपर है, तो एच कमा के विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो वाई के जगह के डालो, एक्स के जगह एच डालो, फिर बाद में भी वही करेंगे। बाद में क्या करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे एच के जगह एक्स, वाई के जगह के। तो आज यू लाइक आप ऐसे करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो आज दिस पॉइंट लाइज अंडर लाइन, तो एक्चुअली क्या होगा, के जगह वाई के जगह के आ जाएगा, एक्स के जगह एच होगा। फिर बाद में क्या करेंगे, जब लोकस हमें मिल जाएगा, फिर एक्स को रिप्लेस किया, सॉरी एच को रिप्लेस किया जाता है एक्स, के को किया जाता है वाई। तो क्या करोगे, एच के करके फिर और एक बार रिप्लेस करोगे कि ऐसे एक्स एंड वाई रखोगे, जो चाहिए ऐसे ही होगा। अच्छा निकल गया क्या, तो ठीक है दो बार कर देते हैं। एच के को मैं इसमें डाल रहा हूं, तो के इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज के माइनस एम एच इक्वल टू, ये प्लस माइनस होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, सो दैट यू विल गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैं एम स्क्वायर टर्म को अलग कर रहा हूं, m टर्म को अलग कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म को अलग कर रहा हूँ, यू गेट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू नो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर टू के एच एम टू एच के एम और टेक टू राइट साइड देन प्लस टू एच के इंटू एम कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें के स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर, तो यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ एम, एम का कितने वैल्यू होगा, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एम, तो एक एम इसके लिए एक एम इसके लिए। ऑलरेडी दिया गया कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होता है, तो एम सपोज इसका स्लोप एम वन इसका स्लोप एम टू, तो फिर क्या होता है, m1 into m2 equal to minus 1 होता है। This is the product of roots. यहाँ पे this is the quadratic of m. So product of roots निकालो। m1 into m2 ये आपका minus 1 होना चाहिए। What is the product of roots? C by a. तो b square minus k square upon a square minus h square equal to minus 1 होना चाहिए। Implies प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लोकस लोकस हो जाएगा रिप्लेस एच आज एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। ओके इन दिस केस यू आर गेटिंग सर्कल, लास्ट टाइम आपको सर्कल नहीं मिला था, for this case you are getting circle and this circle is called director circle. अक्षत आया नहीं,
सर हो गया, हो गया। And equation of ellipse. Whose axis coordinate axis E 1/2 and your curve passing through point 2, 1. And equation of ellipse. And equation of the ellipse.
Done? Sir, एक मिनट. कर लो फर्स्ट टर्म क्या मिला फर्स्ट वाले का 3x² / 16 प्लस y² / 4 इक्वल टू प्लस y² / 4 इक्वल टू 1 सबको वही मिला सबको ये मिला यस और नो दिस इज द राइट आंसर 3x² / 16 plus y² / 4 equal to 1. Right answer.
आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं वही मान के चलूंगा कि आपको मिला। सेकंड वन सर, बाकी दोनों डिस्कस कर लेना सर। And equation of Euler, which end points of the major axis are plus minus 5,0 and focus lies on the line 3x minus 5y equal to 9. इसका मतलब clearly इसका axis x axis के ऊपर है क्योंकि end points 5,0 and minus 5,0 तो origin become center and a आपका तो डेफिनेट फोकस ए पॉइंट होगा ना, तो एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फोकस होगा। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0, y जब 0 डालेंगे तो x होगा 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। इसका मतलब ये फोकस, फोकस मतलब ये डिस्टेंस आपका a ही होगा, तो a ही मिल गया 3, तो e मिल जाएगा 3/5 क्योंकि a का वैल्यू 5 है। फ्रॉम देयर ओनली यू विल गेट b वैल्यू, यू नो b स्क्वायर इक्वल टू और e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर की जगह आप 9/25 डाल सकते हो, इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 25। तो बी स्क्वायर बाई 25 इज द 16/25, तो बी स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर 16, ए 5, सेंटर 0,0 एंड योर एक्सेस ऑल्सो कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर इज द 16 इक्वल टू 1। मैंने तो यही था कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना दोनों लाइन। समझा? कि नहीं? हाँ सर। और थर्ड क्वेश्चन हम लास्ट टाइम ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए थे, ये अलग फॉर्मेट में होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट टाइम किए थे पैराबोला केस, लास्ट टाइम मतलब पैराबोला केस में ऐसा क्वेश्चन हमारा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक केस के लिए आपको मिला था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें एक एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, एक एक्सिस होता है x इक्वल टू 0 और इसका लेंथ होता है a, इसका लेंथ होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी पॉइंट रखो x कमा y, ये डिस्टेंस आपका होगा y, मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दैट इज योर y मतलब ए वैल्यू। तो मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम एक्स कमा वाई, मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम एक्स कमा वाई अपॉन माइनर का डिस्टेंस, मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके माइनर का डिस्टेंस का स्क्वायर
और ये डिस्टेंस जो होता है दिस इज x, तो माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस डिस्टेंस इज द x, तो माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो अपॉन मेजर का स्क्वायर, मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके माइनर का स्क्वायर करो, माइनर लेंथ का स्क्वायर करो, प्लस माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मेजर का स्क्वायर डिवाइड करो एंड देयर सम इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो इधर क्या होगा, तो क्लियरली 2√6 एंड 6, 6 इज द ग्रेटर देन 2√6, ये हो गया। रूट सिक्स का वैल्यू कितना 2 पॉइंट समथिंग, एनी हाउ 3 से तक, तो ये होगा आपका मेजर एक्सिस का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो a इक्वल टू आपका 3 हो गया, b हो गया रूट 6, ये आपके पास आ गया। एंड इस ये होगा आपका मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस, और देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये x माइनस 3y, ये 3x प्लस y, इसका स्लोप 1/3, इसका स्लोप माइनस, इसका स्लोप 1/3, इसका स्लोप माइनस 3, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका रहा माइनर एक्सिस 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, पहले माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मेजर को डिवाइड करो, माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दैट बिकेम x, माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम द पॉइंट x कमा y, डिवाइड करो मेजर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, देन मेजर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो माइनर का स्क्वायर डिवाइड करो, वही होगा आपका आंसर। तो मैं हम x कमा वाई ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन इज द 3x प्लस वाई माइनस 1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3x प्लस 1 माइनस प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो जाएगा इंटू 9, ठीक है, प्लस माइनर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, ए लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज एक्स माइनस 3y, सॉरी इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। अब फिर x कितना, x होगा 3x plus y minus 1 upon root 10, उसका स्क्वायर x स्क्वायर upon a स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा बेटा by a स्क्वायर plus y स्क्वायर, y स्क्वायर होगा x minus 3y plus 3 upon इधर भी root 10, इसका होल स्क्वायर by 10 into b स्क्वायर 6 equal 1, ये आपका आंसर, ये 90, ये आपका 60, दिस इज द आंसर। ये फॉर्मेट याद रखो, हमेशा यूज होता है, लास्ट टाइम पैराबोला केस में भी ऐसे किए थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट ये याद रखना कि जो दो लाइन दिया गया वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया गया कि वो मेजर एंड माइनर एक्सिस, पैराबोला केसेस में हम लिए थे एक एक्सिस लेते हैं और एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स लेते हैं, ये समझा।
रब करो
Do this process.
हो गया। Done. Only two. हो गया क्या?
कुछ मिला? किसी को कुछ मिला तो बताओ। जन्मे का तो सिद्धांत आप बताइए। गेट ऑफ करो। Find equation of tangent to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12, which is parallel to the line. ये line के साथ parallel होगा. So what is slope of this line? Slope of this line is the 2/3. तो जो tangent का slope वो भी 2/3 होगा. इक्वेशन 3x square plus 4y square equal to 12, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, देन x square by 4 plus y square by 3 equal to 1. इसका मतलब आपका a square 4 मिला, b square 3 मिला. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y equal to mx plus c, सी के जगह प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम, एम के जगह 2/3, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 4 × 4/9 प्लस बी स्क्वायर 3. Which is the 2/3x plus minus is 16 + 27 = 43, root 43/3. So 3 multiply कर दोगे तो y equal to 2x plus minus root 43. This is your answer. So there are two tangents. Suppose ये आपका ellipse,
ये लाइन के साथ पैरेलल करके हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो, यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, दोज आर पैरेलल टू दिस लाइन. ऐसे दो लाइंस आपको मिलेगा, दो टेंजेंट्स यू विल गेट, दोज आर पैरेलल टू दिस लाइन. सॉरी, ये थ्री वाई नॉट their second question was find equation of tangent to the ellipse x 2x square plus 3y square equal to 6 which makes an angle 30 degree with major axis. Format remains same. Your equation of ellipse 2x square plus 3y square equal to 6 implies x square by 3 plus y square by 2 equal to 1. So a square upko 3 mila, b square upko 2 mila. And स्लोप ऑफ द टेंजेंट 30 डिग्री कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो एम हो जाएगा tan 30 डिग्री व्हिच इज 1/√3. ए मिला बी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. डाल दो 1/√3 x प्लस माइनस a स्क्वायर 3 m स्क्वायर 1/3 प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, सॉरी b स्क्वायर 2. ठीक है, which is root 3, मतलब y equal to x by root 3 plus minus y upper root 3. तो root 3 आप multiply कर सकते हो, you will get that implies root 3 y equal to x plus minus.
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इफ द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 विद द एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 11। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछ रहा है। तो ये आपका एलिप्स, ये आपका लाइन, ये पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वही करेंगे, इसको यूज कर दो। तो कोई एक एलिमिनेट करो, जैसे कि मैं 3y, यू विल गेट 4x प्लस 11, y हो जाएगा आपका 4x प्लस 11 बाय 3, इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये लाइन, इसको ये पॉइंट पर क्या होना चाहिए, लाइन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की जगह ये डाल दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 4x प्लस 11 होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, 3 हुआ, दैट इंप्लाइज ये आपका 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 44, 88x प्लस 121, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 16 प्लस 6 22x स्क्वायर प्लस 88x प्लस 118 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस आपका 59 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन 59 इंटू 11 एंड सम इज द 44, ऐसा कैसा होगा? 59 कंपोजिट नंबर की प्राइम नंबर, 11 तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आई थिंक कुछ मिस्टेक किया गया। फोर एक्स माइनस थ्री प्लस 11 इक्वल 0, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये 11 नॉट 1, 11 ये 33 होगा, तो दिस कम होगा 88, तो डिवाइड बाय 22 हो जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू माइनस 2 मिल गया, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस 2 हुआ, x की जगह माइनस 2 डालेंगे तो क्या होगा, माइनस ना प्लस 1, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन इफ द लाइन x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू p विद अ टेंजेंट टू द एलिप्स।
find the condition if the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p with the tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to. तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है y इक्वल टू इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विद द टेंजेंट टू द एलिप्स देन c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विद द टेंजेंट टू द एलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1, then c square equal to a square m square plus b square. This is called condition of tangency. So first I need to change my given line in the form of y equal to mx plus c. ये format में convert करना चाहिए. तो मैं लिख सकता हूँ y sine alpha इधर माइनस कॉस x कॉस अल्फा प्लस बट मुझे y चाहिए तो y कैन राइट माइनस x कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस p बाय साइन अल्फा ये आप लिख सकते हैं. अब m हो गया ये m हो गया दिस वन इनटू x ये आपका c हो गया दिस वन. नाउ यूज दिस कंडीशन c square equal to a square m square plus b square. So, आपको मिला minus cos alpha upon sin alpha into x ये मिला ठीक है. तो this is your m this one c. Now use c square equal to a square m square plus b square. C square मतलब p square upon sin square alpha equal to a square. A square itself a square. M square. M square होगा plus square alpha upon sin square alpha plus b square itself b square. अब LCM इसका ले जाते हैं sin square alpha और sin square alpha multiply कर देते हैं. तो p स्क्वायर इक्वल टू ये कैंसिल होगा ये भी कैंसिल होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा. दिस इज योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. Next question was if ABC or any three points on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 and PQ are their corresponding points on auxiliary circle, then find area of triangle ABC upon area of triangle PQ. जब x square upon a square plus y square by b square ellipse का equation होता है तो उसका auxiliary circle क्या था?
auxiliary circle of ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 is x square plus y square equal to a square. So, ये आपका ellipse और ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है? दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो एलिप्स के ऊपर मैंने तीन पॉइंट रखा कहीं पे भी, ए बी सी. तो ए पॉइंट को मैं ले रहा हूं एनी पॉइंट ऑन योर एलिप्स, ए कॉस थीटा कमा बी साइन थीटा. तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन सर्कल हम क्या किए, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्सिस को और एक्सटेंड कर दो. दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इट इज गिवन पी. तो ये डिस्टेंस एक्स, इसका तो ए लाइन के ऊपर एक्स रिमेंस फिक्स होगा, तो ए पॉइंट होगा ए कॉस थीटा. जब ए कॉस थीटा इसमें डालूंगा तो बी आपको मिलेगा ए साइन थीटा. थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, नहीं तो अल्फा बीटा का मान ले दो, इट इज अल्फा. तो ये भी होगा अल्फा, देखो इसमें ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, इसमें मिला ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, बी नहीं मिला. लाइक दैट इज इफ दिस पॉइंट इज द ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा Q पॉइंट A cos बीटा A sin बीटा. लाइक A पॉइंट गामा में रहेगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा R पॉइंट A cos गामा A sin गामा. Whereas दिस पॉइंट इज द A cos गामा B sin gamma. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा मेरे पास तीन पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है. एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलते हैं? उससे तो आपका कुछ हो रहा है क्या, इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली बिजली चली गई थी. अच्छा हाँ. तो मेरे पास ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट तीनों पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? वो डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाल देते हैं, हाफ इनटू एक्स वन. ये समझ में आया? एक क्वेश्चन था सर्कल, सॉरी एलिप्स दिया गया एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसके ऊपर कोई भी तीन पॉइंट रखो एबीसी, पी क्यू आर आर देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल होता है, लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस एलिप्स इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. A का corresponding point P दिया गया, B का corresponding Q, C का corresponding point R. A point parametric point मैंने रखा, let us take ये parametric point इधर A cos alpha कमा B sin alpha. तो auxiliary circle के ऊपर कैसे point निकालते हैं? जो point दिया गया वो point से perpendicular draw करो to the axis और वो line segment को extend कर दो. वो जहां पे ऑक्सिलरी सर्कल को कट करेगा दैट इज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट. फ्रॉम देयर ओनली हमें मिला था एक्सेंट्रिसिटी एंगल, एंगल ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिक एंगल मिला था. ऐसे ही ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्सटेंड कर दिया, तो जहां पे वो ऑक्सिलरी सर्कल को कट करेगा दैट इज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट. तो ए पॉइंट ए कॉस अल्फा होगा, तो ये जो लाइन मिला दिस लाइन इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल होगा. तो यहाँ पे x cos अल्फा होगा तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x cos अल्फा होगा.
अब लेट अस टेक दिस पॉइंट इज द के. नाउ x cos alpha and k सैटिस्फाई विल सैटिस्फाई द सर्कल x square plus y square equal to a square. इसको सैटिस्फाई करेगा. तो ये पॉइंट को डाल देंगे x की जगह a cos alpha डाल देंगे तो यू विल गेट a square cos square alpha plus y square equal to a square. देन y का वैल्यू हो जाएगा a sin alpha. तो ये पॉइंट हो जाता है a cos alpha comma a sin alpha क्योंकि सर्कल के ऊपर है. सर्कल का पॉइंट होता है r cos theta comma r sin theta. x square plus y square equal to r square. तो डिफरेंस इतना, x में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, y में डिफरेंस, इसमें b sin alpha होता है, ये a cos alpha sin alpha होता है. Like that, second parametric point मैंने beta में रखा, तो ये ellipse का point, ये उसका corresponding auxiliary circle का point. ये b sin beta, ये a sin beta, बाकी x दोनों का same. Like c point रखा gamma में, a cos gamma, b sin gamma, उसका corresponding point हुआ, a cos gamma, a sin gamma. ये समझ में आ गया. अब क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. अब निकालो, मैंने पॉइंट तो दे दिया सबका, इसका एरिया का रेशियो निकालो.
मिला कि नहीं? नहीं मिला, ठीक है ये रब करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा हाफ ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा वन ए कॉस बीटा बी साइन बीटा वन ए कॉस गामा बी साइन गामा वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा वन ए कॉस बीटा ए साइन बीटा वन ए कॉस गामा ए साइन गामा वन। ओके इसको डोंट ट्राई टू एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट, एक्सपांड मत करो, हाफ हाफ कैंसिल। हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, यू कैन टेक फिक्स वैल्यू कॉमन फ्रॉम आइदर फ्रॉम ए रो और फ्रॉम ए कॉलम। कोई रो और कॉलम से आप फिक्स वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। सो यू कैन टेक कॉमन ए फ्रॉम दिस कॉलम, यू कैन टेक बी फ्रॉम दिस कॉलम। ओके तो व्हिच इज ए बी, आपको मिला कॉस अल्फा साइन अल्फा वन कॉस बीटा साइन बीटा वन कॉस गामा साइन गामा। ये भी ए एंड बी नहीं, ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, यू गेट ए एंड ए कॉस अल्फा साइन अल्फा वन कॉस बीटा साइन अल्फा वन साइन बीटा वन कॉस गामा साइन गामा वन। नाउ दिस टू डिटरमिनेंट रिमेन सेम, एक ए भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर होगा बी बाय तो यूज प्रॉपर्टीज, डोंट एक्सपांड योर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को एक्सपांड करोगे तो फिर नहीं होगा, मतलब होगा बट लंबा जाएगा एंड देयर इज अ चांस टू गेट रॉन्ग आंसर आल्सो। समझाइए। यस सर। सर ठीक है, चलो आज इतना एंड करते हैं। थैंक यू सर। बाकी आप बुकलेट से क्वेश्चन ही करो। हाँ हाँ सर। ओके बाय बाय सर।